जय केदार। तो आइए, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और हमारी यात्रा आज होने वाली है केदारनाथ मंदिर तक की, गौरी कुंड से। तो अभी फिलहाल मेरे पीछे जो देख सकते हैं, ये है आपको गौरी कुंड का मंदिर, जो यहाँ पे की गौरी माई का मंदिर है। आपको चीज़ बता दूँ, जो 6 महीने के लिए केदारनाथ मंदिर जो बंद रहती है, तो फिर वहाँ से जो आपको डोली आती है, तो यहीं पे आपको डोली 6 महीने के लिए रखी जाती है। और फिर यहाँ से जब पट खुलती है, तो यहीं से आपको डोली उठती है। तो चलिए, आगे की जर्नी और आगे की यात्रा में आप टोटल चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले माई के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो आ जाओ भाई, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रास्ते में। तो देख सकते हैं रास्ते में अभी कितनी भीड़ है आज के दिन में। तो ये है फिलहाल अभी गौरी कुंड का छोटा सा मार्केट, यहीं पर दुकानें सब है ढेर सारा। हम लोग ने कुछ नाश्ते वास्ते के लिए आगे के लिए केला ले ली है। आगे केला चलेंगे, कुछ खाएँगे और फिर आगे जो भी मिलेंगे देखते चलते हैं। तो चलिए सफ़र का मज़ा लेते हैं यहाँ से। अभी खच्चर को बिना लोड किए हुए, बिना आदमी को लेके जाए हुए, इस गेट से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये जो गेट है ना, इससे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और मेरे बैग का वजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो चलो इस गेट से आगे बढ़ते हैं अभी हम। और देख रहे हो, जब से यहाँ पे आदमी जैसे कि लोड हो गया ना, 3 लोग को बढ़ने दे रहे हैं यहाँ से, वैसे नहीं बढ़ने देते हैं। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और आगे का सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। चढ़ाई हो रही है, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ। तो जिनको भी पिट्ठू पालकी या करनी है, इससे आगे, इससे पीछे ही करना है, इस गेट से पीछे ही करना, इससे आगे नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आपको पशु के लिए गर्म पानी की व्यवस्था हुआ, यहाँ पे पीने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो बगल में, यहाँ पे ले जा रहे हैं। देखो भाई, ये सब पालकी पे चल के जा रहे हैं, 4 बंदे हैं। और इसकी प्राइस लगभग आपको भाई एक तरफ से करते हैं आपको 5 से 7 हज़ार रुपये, जिसमें आप मार्केटिंग कर सकते हो कर लो, और बहुत मेहनत भी काम है। देखो भाई, 4 लोग बहुत ही मेहनत लगता है इसमें लेके जाने में। 1 से 1.5 किलोमीटर हम लोग आगे आए, और कुछ ऐसा ट्रक देख रहे हैं पीछे से, पिट्ठू पाल के सब पे भरपूर आदमी चल रहे हैं यहाँ पे। तो चलो भाई, बचते धचते निकलते हैं, रास्ते तो बहुत चढ़ाया है। रास्ते कुछ ऐसी चढ़ाई पे चलते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज है भाई, जितनी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ना, ये पहाड़ भी उतनी ही ऊपर होते जा रहे हैं। हम लोग लगता है कि ऐसे भाई पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। आगे जितना जाते उतना ऊपर पहाड़ भी होते जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ से नीचे खाइए भाई, बहुत ही गहरा है, लगभग यहाँ से समझो 2000 फीट नीचे है, और इतनी ऊपर पहाड़, भाई बहुत ही इंजॉय आ रही है। चलो भाई साहब की क्या हाल है, ठीक चल रही है? भाई साहब तो पूरे, मेरा तो मस्त चल रहा है, मेरा तो एक्सपीरियंस है। अरे वाह, मेन बात है भाई साहब तो चले हैं ना 59 दिन से घर से बाहर है, भाई पास के भाई के पास एक्सपीरियंस है चलने की। हाँ या बोलो जाए केदार की, देख लो भाई लोग चढ़ते जा रहे हैं। हेलो भाई, हर हर महादेव के नाम लेके हम लोग चढ़ जाएंगे आगे। फाइनली हम लोग यहाँ पे एक ठहरने की जगह बनाई गई है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर स्टे करेंगे, और कुछ नाश्ता लेके आए हैं आपको वहाँ से गौरी कुंड से। तो यहीं पे नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे भाई साहब आनंद किशोर भाई आ जाओ इधर, भाई साहब पीछे रह गए थे, हम तो आगे बढ़ गए थे। यहीं पे कुछ नाश्ता कर लेते हैं, तब बढ़ते हैं आगे। अभी कितना टाइम हुआ, जो भी हुआ है करते हैं, ठीक है? यहाँ पर नाश्ता करते हैं, फिर आगे की जर्नी। हमने लाए पराठे, हाँ दो पराठे हैं, तो एक पराठे अभी खाएंगे, आगे इंटरवल में करेंगे, एक पराठे केले के साथ चलेगा। हाँ, केले और पराठे खाएंगे हम लोग साथ में लेके चले हैं। और यहाँ पे भी जर्नी हो रही है, देख रहे हो भाई, थोड़ी देर और हम तो आगे चढ़े, और यहाँ पे एकदम पूरी खड़ी चढ़ाई है, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ पे हम लोग रुकना पड़ गया। और एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जगह जगह पे आपको पानी पीने के लिए ना नलका बनाया गया है, और रिलीफ है। और रास्ते में आपको दुकानें सब भी मिलती चली जाएगी। तो ऐसा है ना, कुछ जो यहाँ की दुकान की जो प्राइस है, वो आपको एक पानी की बोतल 1 लीटर वाली ना, वो 60-70 रुपये अभी यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे अभी हम लोग हैं जंगल चट्टी करके, यहाँ पे जगह एक, यहाँ पे ये प्राइस है। तो देखते हैं आगे की प्राइस कैसी रहती है। और एक आलू का पराठा अगर लेते हो ना, उसकी भी 60-70 रुपये की प्राइस बनती है। तो जितनी ऊपर जाते जाओगे ना, उतनी महंगी होती जाएगी। और एक चीज़ है कि इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ाने में भी उन लोग को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है।
तो स्वाभाविक बात है आपको महंगाई तो होगी। और यहाँ पे देख लीजिए पानी का व्यवस्था सब है जगह जगह। और यहाँ पर भी आगे में भी आपको अगर रास्ते में भी चाहोगे घोड़े सब करना तो लगभग अभी हम लोग वही 6 से 7 किलोमीटर आगे आए हैं। चलने में तो भाई है खड़ी चढ़ाई पर चढ़ जाएंगे, महादेव जहाँ हैं ढूंढ लेंगे। चलो आगे चढ़ते हैं। ये देखो ऊपर से झरना बह रही है पूरा, बहुत अच्छा खूबसूरती यहाँ से नज़ारा लग रहा भाई। इधर देखो कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ है चारों तरफ और ऊपर बादल छाए हुए हैं। तो चलो अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं और भी आगे आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी सी पॉइंटें देखने को मिलेगा, तो मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। और भाई जैसे ही थोड़ा आगे चलता हूँ इतनी खड़ी चढ़ाई हो जाती है ना पूरा दम फूलने लग जाता है। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे साइडिंग में रुक गए क्योंकि बारिश होने लग गई और थक भी गए थे, तो थोड़ी देर रुकते हैं आगे। यहाँ पे कुछ लोग सब रुके हैं और कुछ लोग सब चल ही रहे हैं, बारिश हो रही है, देखते हैं अगर ज़्यादा देर तक बारिश हुई तो फिर हम लोग रेनकोट पहनेंगे फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, देखते हैं कितनी देर तक बारिश होती है। और यहाँ बगल में पीछे पहाड़, मैंने भी रेनकोट डाल दी और ये हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। सभी लोग ने रेनकोट डाली है, चल रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबूंदी बारिश हो रही है। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा अभी चल रहा है। और इधर भी अभी भी दुकानें तो आपको मिल जाएगी, साइड से मुझे दुकानें तो मिल जाएगी। और अभी हम लोग कुछ तो लगभग 8 किलोमीटर चले हैं, 8 किलोमीटर चल रहे हैं। और देखिए आगे का सफ़र और कितना मज़ेदार होने वाली है। भैया मैंने यहाँ तक तो पहुँच ली और यहाँ पे एक भाई से पूछे तो यहाँ से कितनी दूरी है, तो लगभग बोले वो 9 से 10 किलोमीटर की दूरी अभी पड़ेगी। और यहाँ से ना दो रास्ते अलग हो रही है, मैं आपको सही से दिखाऊँ, यहाँ से दो रास्ते अलग हो रही है। एक ये जो नीचे में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पुलिया से एक रास्ते इधर से होके ये नॉर्मल वाली रास्ते, इसमें उतनी चढ़ाने नहीं है लेकिन ये आपको 1 किलोमीटर ज्यादा है। हाँ। और एक ये रास्ते जो सीधी चली जा रही है, ये वाली रास्ते सीधी चली जा रही है जो आपको 1 किलोमीटर कम है लेकिन उसमें चढ़ान ज्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं ये नया वाला रास्ता अपनाऊँ, और ये रास्ते से ज़्यादातर घोड़े खच्चर के लिए बनाए गए हैं, तो मैं भी इसी रास्ते से अभी आगे बढ़ूँगा। भाई यहाँ देखो यार कितनी खूबसूरत यहाँ से नज़ारे हैं। यहाँ पे आपको टूटा हुआ रास्ता है, तो एक रास्ता आपको आगे भी वहाँ पे आपको दिख रहा है, एक रास्ते वहाँ पे, यहाँ पे एक पुलिया है और एक पुलिया यहाँ पे है, पुलिया है, तो हम लोग इसी पुलिया से भी जाने वाले हैं और इसी रास्ते से यहाँ पे चढ़ के ऊपर तक दिख रहे हैं, पूरा के पूरा पहाड़ पे चढ़ना है अभी। और हमें कहाँ जानी है, तो हमें जानी है आपको उस पहाड़ पे, उस चोटी पे जानी है, उस चोटी पे, इस चोटी पे। तो भाई बहुत दूर है यहाँ पे, भाई ये रास्ते है और इसकी गहराई देखो भाई, इधर भी देखो भाई कितनी गहरी है। और इधर जो पानी आ रही है ना, गजब की रफ्तार में पानी आ रही भाई, अरे बहुत ही भयानक जगह है भाई। इतनी ऊपर में ये पुल कैसे बनाए होंगे ये सोचो, यहाँ पे चारों का चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ पे हमने जो ट्रैक बदली थी वो ट्रैक छोड़ के हमने ये ऊपर वाले ट्रैक पाए थे। अब इस पे क्या होगा सुधा, ये लोग अभी कितनी नीचे आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे बराबर में, और मैं कितने ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से बस नॉर्मल सा चढ़ूँगा फिर आगे चढ़ूँगा। और ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, यहाँ से हमको इसके पीछे जानी है। अब भाई मौसम कुछ ऐसा है, अब पहाड़ पर देखो यार बर्फ़ें सब यहाँ से अब दिखनी शुरू हो चुकी है एकदम ज़बरदस्त मात्रा में। अभी फ़िलहाल बारिश हो रही थी, बारिश बंद हुई है, तो हम यहाँ से अभी बढ़ेंगे धीरे धीरे। भाई देखिए यार यहाँ से कितनी चढ़ाने हैं लाइन की, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ पूरा। अभी हम लोग को भी चढ़ना बाकी है, इधर से चलेंगे आगे और वहाँ जाके चढ़ेंगे। वो बहुत थक गए भाई, तो चले थे भाई 9 बजे के आसपास हम लोग चले थे वहाँ से, और अभी यहाँ पे ना 3:30-4 के आसपास होने जा रही है, लगता है रात हो जाएगी पहुँचते। चलो फिर भी चलता हूँ, बारिश छूटने का नाम भी नहीं ले रहा, इसी पहाड़ पे चलते चल नहीं है महादेव के पास। भाई उतने नीचे से जो हम लोग देख रहे थे ना, तो वो देखो बर्फ़ यहाँ सामने में, हम लोग के जस्ट पीछे में है भाई बर्फ़। यही ग्लेशियर पिघलती है तो नदी बनती है, यहाँ से अभी पानी सब पिघल रही है। और यहाँ की जो पानी है ना भाई, ऐसा लगता है कि जैसे फ्रिज से निकला हुआ पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है। फिलहाल हम लोग बहुत हाइट पे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके अभी हमको और ऊपर जानी है, और ऊपर में तो और ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ये बताओ, हाँ जब बर्फ़ का पानी पिघलेगा तो ठंडा रहेगा गर्म रहेगा, इसको बताओ जरा कोई। भाई फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा है, फ्रिज से तो यार फ्रिज से ज़्यादा ही बर्फ़, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा, इसलिए तो बर्फ है यार। यही देखो यहाँ से जो पिघल रही है पूरा लंबा चौड़ी यहाँ से वहाँ तक कटी हुई है, ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे पानी पड़ रही है ना, इसलिए थोड़ा सा कैमरा ऐसा हो रहा है, और ऊपर में तो और ग्लेशियर है। चलो देखते हैं आगे कैसा होने वाला है।
भाई बारिश छूटने की नाम ही नहीं ले रही है। अभी फिलहाल हम लोग अभी भी फिलहाल कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं, लेकिन टाइम तो हो चुका है भाई साहब, हो 5 बजने जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है ना कि अभी भी 3 से 4 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, लेकिन यहाँ पे आपको रहने के लिए टेंट की सुविधा है। यहाँ पे नीचे में आपको टेंट सब लगाया गया है वहाँ पे, इसके बालकनी के नीचे में, और यहाँ ऊपर भी लगा हुआ है। यहाँ ऊपर में ये सब ना आपको टेंट लगा हुआ है, जो कि आप 500 या 700 रुपये के पर हेड आदमी आप इतना किराया देके यहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि आते आते ना बहुत दूरी होती है, बहुत चढ़ान हो जाती है। शुरुआत में तो उतनी दूरी नहीं, उतनी चढ़ान नहीं पता चलती है, लेकिन बाद में आके पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा दूरी है, सभी लोग थक जाते हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैं भी यहाँ पे ढूंढा हूँ कैंप लगाने का कहीं जगह है, तो मेरे पास टेंट है बट ऐसा जगह मुझे कुछ सटीक नहीं लग रहा है, तो फिर मैं आगे ही चलूँगा। लगता है कि फंस जाएगी 5-7 के आसपास में मैं हम लोग पहुँचेंगे, क्योंकि बारिश भी आज एकदम गजब का मौसम ढाया हुआ है, ठंडी भी बहुत है। चलो यहाँ से अभी फिलहाल निकलते हैं आगे, और कैसा रहता है आज का जर्नी में जब तक केदारनाथ ना पहुँचूँ, ब्लॉगिंग चालू रहेगा। चलो आगे देखते हैं कैसा रहता है। भाई ऐसा है ना कि हम लोग को तो सांस से नहीं फूली है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि प्रॉब्लम हो रही है सांस फूलने की, तो हम लोग भी कपूर लेके साथ में चले थे, क्योंकि सांस फूलने में वो रिलीफ करते हैं कपूर। तो यहाँ पे अगर आप लोग कभी आओ तो ध्यान रखना कि अपने पास कपूर लेके आना, और जब भी सांस फूले तो कपूर का यूज़ करना बेटर होगा। चलो अभी तो बड़ी खड़ी चढ़ाई है, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। भाई ये देखो ये सब जो जितनी दिख रही नहीं, ये सब टेंट ही है यहाँ पे। यहाँ पे 500 के हिसाब से यहाँ पे टेंट मिल जाती है, यहाँ पे रुक सकते हैं। फिर यहाँ से एक खड़ी चढ़ाई है, बस एक पहाड़, बस उस चोटी पे हम लोग को चढ़नी है अभी तक पहाड़ पे, वहाँ पे चढ़नी है। और वो देखो वो वाली पहाड़ सब कितनी वाई ऊँची है। तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं, ये शॉर्टकट लिए थे, देख रहा है शॉर्टकट सभी लोग ले रहे हैं यहाँ पे, चाह रहे जल्दी से जल्दी पहुँच लूँ, बस ऐसा हो पा नहीं रहा है। वो रास्ते वहाँ पे पैदल चलने वाले, भाई देख लो फिर से बारिश होने लगी। अभी इतनी रात हो गई है, यहाँ पे बर्फ़ हो रही है, तो कुछ दोस्त लोग यहाँ पे फिसल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भाई लोग यहाँ पे फिसल रहे हैं, और ये देखो नीचे भी पूरा बर्फ़। अभी फिर हमें और आगे चलनी है, रात तो हो गई है, वो जो देख रहे ऊपर लाइट वहाँ तक जानी है, उससे ऊपर भी जानी है। चलो चलते हैं आगे, बने रहिए, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। चुके हैं आपको केदारनाथ की नगरी में, और ये है आपको केदारनाथ की नगरी, देख सकते हैं हमारे पीछे ये ढेर सारा टेंट लगा हुआ है यहाँ पे, और पहाड़ों और बादलों की खूबसूरती कितनी मस्त दिख रही है। तो हम लोग नाइट में यहाँ पे 9 बजे यहाँ पे पहुँचे थे, और नाइट में हम लोग यहीं स्टे किए थे, ये अपनी रही टेंट यहाँ पे, इसी में हम लोग नाइट में स्टे किए, और नाइट का जो टेम्परेचर था ना भाई -1 डिग्री था।